उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कामकाजी महिलाओं की टाइमिंग को लेकर लिए गए फैसले का मथुरा की महिलाओं ने स्वागत किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा कर महिलाओं के लिए और भी अच्छे कदम उठाने की मांग की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कामकाजी महिलाओं के लिए सुबह 6 बजे से पहले एवं शाम 7 बजे के बाद कोई काम ना करवा सके, इसके लिए फैसला लिया गया है, जिसको लेकर G9 न्यूज की टीम ने मथुरा की महिलाओं से इस विषय पर बात की तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ के फैसले को महिलाओं के लिए एक अच्छा फैसला बताया। महिलाओं ने बताया कि इस फैसले से महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ गई है, अब कोई मनमानी तरह से महिलाओं से काम नहीं करवा पाएगा। ये एक ऐतिहासिक फैसला है जिससे महिलाएं पूर्णतः संतुष्ट हैं। सबसे पहले तो मैं योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिन्होंने महिलाओं को लेकर बहुत अच्छा नियम लागू किए हैं, जिसमें कि महिलाएं शाम 7 बजे के बाद में जो कामकाजी बहनें हैं वो शाम 7 बजे के बाद में कोई कार्य नहीं करेंगी और सुबह 6 बजे से पहले उनको कार्य नहीं करने को बोला जाएगा। अगर कोई भी कार्य उन्हें 7 बजे के बाद किसी कारणवश करना पड़ता है तो उनसे लिखित में अनुमति ली जाएगी। मैं योगी जी सरकार द्वारा जो कल निर्णय लिया गया है उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उन्होंने जो कामकाजी महिलाओं को लेके जो उनका किया है निर्णय वो बहुत बढ़िया है, इससे महिलाएं सुरक्षित रहेंगी और मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि ये निर्णय आगे भी सरकार द्वारा लिया जाए ताकि आगे भी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। मैं एक बार पुनः योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। मैं जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये फैसला दिया है मैं इसकी बहुत ही तहे दिल से सराहना करती हूँ। कारण क्या है कि इसमें जो महिलाएं हैं हम देखते हैं कभी कभी उनकी इच्छा नहीं होती और उनको कहा जाता है कि भाई 7 बजे तक आपको काम करना है तो वो बिना इच्छा से आप काम करती हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है काम करना तो वो रुकती हैं, लेकिन उनके जो एक मानसिक प्रेशर जो होता है वो उनको वो रहती जरूर हैं लेकिन मन से वहाँ नहीं रहती हैं। अब क्या है कि इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ कि महिलाओं कम से कम इतनी आज़ादी तो मिली कि वो अपने टाइम अनुसार घर से आ सकती हैं और जा सकती हैं, इसलिए मैं इस फैसले को बहुत ही शुभकामनाएं और मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देती हूँ इस फैसले के लिए और आगे भी महिलाओं के विषय में सोचते रहें जिससे कि महिलाएं अपना जो अपना कमाती हैं महिलाएं या नौकरी पेशा महिलाएं हैं उनके लिए और भी सुविधाओं की सोचें।